Hey guys, welcome to my new video. In this video कोई चीज लर्न नहीं करेगा बल्कि इसके को गाइस अनबॉक्स करना. दिस इज माय फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू लाइक दिस वीडियो गाइस प्लीज लाइक कर देना गाइस इस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस. इस ग्राफ को गाइस सुधार दो गाइस, थोड़ा सा सुधारो, सुधारने की जरूरत है. और गाइस उसको ये दबा गया बाय मिस्टेक खुली हुआ गाइस. मुझे ऐसा मिला था गाइस, वो पैकिंग थी उसके ऊपर बस एक पेपर की सी, ये तो वो मैंने हटा दिया. और गाइस अब इसके बॉक्स को देख लेते हैं. यहाँ पे गाइस लिखा हुआ चीट ऑयस मोर देन अ प्रोफेशनल स्पीड को, वो तो कहते अभी पता ही चल जाएगा कितना अच्छा है ये स्पीड क्यू. ये तो मॉडल है गाइस, आप गाइस पढ़ सकते हो इधर, शी हिंग एस मॉडल है, मॉडल है. और गाइस 6-8 से ज्यादा जो कि गाइस कोई भी नहीं देखता, क्योंकि 6 साल को, 2 साल को, 1 साल को, ये गाइस तो कुछ ज्यादा हो गई. 1 साल स्टिकरलेस क्यूब है गाइस, जो कि बड़ी अच्छी बात है गाइस. स्टिकरलेस क्यूब है, ये वार्निंग्स है, पॉज करके देख भी सकते हो. बोले गाइस रिकॉर्ड होल्डर 3.745 सेकेंड्स. ओके अब डायरेक्ट गाइस डब्बे को खोल चुका हूँ मैं. यहाँ पे गाइस हमें मिलते हैं क्यू और गेट, मेरे इस डब्बे को इस साइड रखते हैं. अब गाइस मैनुअली देख लेते कितनी बड़ी है ये, ज्यादा बड़ी मैनुअल दे दी गाइस. ये जो है ना बस फुल्ली इंग्लिश में लिखी हुई, दैट्स अ गुड थिंग. गाइस पूरी मैनुअल जो है पूरी फुल्ली इंग्लिश में लिखी है, कुछ कुछ जगह यहाँ पे चाइनीज लिखी हुई है गाइस. आप गाइस ये देख लो गाइस क्या लिख रहा है, क्लोजर लुक में दिखाता हूँ. गाइस बेसिक रोटेशन में गाइस पॉज करके पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है. लिखा हुआ इधर ये भी और ये नीचे, तो यहाँ पे हम इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे साइड रखते. और अब आते मेन क्यूब के ऊपर. तो ये जो क्यूब है काफी ज्यादा ग्लॉसी है, 1 सेकंड में आप देख सकते हो रिफ्लेक्शन आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रही है. जितनी भी चीज है अभी इधर ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तो स्मूथ है गाइस. मैं इसके ऊपर बस थोड़े बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ, यानी कि एक पिछले लास्ट वीक से, लाइक लास्ट वीक से. ये तो गाइस इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी है और रिव्यू भी है इसका. तो गाइस इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है गाइस वो है जो कि गाइस कुछ 400 से लेके 600 तक के बीच में वैसे का प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है. मतलब मैंने इसे खरीदा था 499 में, जो कि गाइस मैंने अमेजोन से खरीदा, क्यूब लेलो से नहीं खरीदा. गाइस मैं क्यूब लेलो का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अमेजोन का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो गाइस चेक कर लेना. बट वीडियो पहले देख लो कि क्यूब है कैसा, ग्लॉसी है काफी क्यूब. बट गाइस ग्रिप अच्छी है इसकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी ग्रिप में. वैसे क्यों नॉन मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेट्स नहीं है. इस फर्स्ट टर्न्स करके देखते हैं कुछ, यस सॉरी गाइस मेगा मिक्स कर तो बहुत कम चलाना आता है. और अगर थोड़ा बहुत कॉर्नर कटिंग भी चेक कर ही देते ऐसे लगे हाथ 30 डिग्री आराम से कर रहे हैं, 40 डिग्री आराम से. 40 डिग्री में पता नहीं क्यों अटक क्यों जाता है. 45 डिग्री
45 डिग्री निकल रहा है वैसे, 40 डिग्री रहे तो वैसे कर लेता यार 40 डिग्री आराम से। रफ्फन कटिंग की बात करें तो बैक कॉर्नर कटिंग में काफ़ी अटक्सर है ये, प्लस बैक कॉर्नर कटिंग के अंदर मैं से इसके ऊपर प्रेफर नहीं करूँगा कर सकता है, क्योंकि जो अगर इसकी कॉर्नर कटिंग काफ़ी कम है कट कर स्मूथनेस इज गुड ऐसा कर आप देख सकते हो। मैंने दो वैसे मैं अभी ये जो है ना वैसे ये जो है ना वैसे अभी आपको देख लो गौर मार के दिखाता हूँ इसके दिस क्यूब इज वेरी स्मूथ स्मूथ चेक कर लेते हैं। ग्रीन कोर दैट्स गुड, ग्रीन कोर के साथ आता है। बड़ा स्मूथ है गाइस क्यूब ये जो गाइस यहाँ पे गाइस थोड़ी छोटी सी बॉर्डरिंग कर रखी है जो कि ग्रिप के अंदर थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, यानी कि जब भी आपका हाथ यानी कि आपका हाथ जाने वाला स्लिप होने वाला था तो गाइस कम से कम आपको आइडिया लग जाता है बट गाइस सॉल्व के टाइम कौन नहीं लिखेगा इतना। बट गाइस दिस इज अ बजट बजट मेगा मिक्स गाइस इससे भी लोअर प्राइस के आते हैं बट जो अगर स्पीड और इस रेंज प्राइस में और भी देखे बट दिस क्यूब मेगामिक्स इज बेटर चेक कर सकते हो गाइस, मैंने लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चेक कर लेना और गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ईशांत क्यूइंग टेक केयर बाय।